और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी का सूट नीलाम हो गया है। मोदी के सूट की बोली 4,31,00,000 तक पहुंची। गुजरात के हीरा व्यापारी लालजी भाई ने मोदी के सूट को खरीदा है। 3 दिन से मोदी के सूट पर बोली लग रही थी, बहु चर्चित सूट जिसको लेकर काफी खबरें आई थीं। और हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बात की सूट को खरीदने वाले लालजी भाई पटेल से, आइए सुनते हैं। हमारे साथ लालजी भाई पटेल, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के सूट की बिड जीत ली है, 4,31,00,000 में आई, उनसे बात करते हैं। लालजी भाई, कैसे फील कर रहे हैं? भाई तो बहुत बड़ा लालजी भाई, बोल, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सूरत में ये ऑक्शन हुआ है, सूरत की भूमि में खूब दानेश्वरी लोग हैं, अच्छे काम के लिए सरकार के साथ लोक भागीदारी में लोग बहुत योगदान देते हैं। और ये रकम 4,31,00,000 हमने जो लगाया है, वो रकम गंगा सफाई अभियान में जाने वाली है। वो हिसाब से देश के हित के लिए हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। लालजी भाई, ये बताइए कि आप इस सूट का क्या करेंगे, कितना अहमियत रखता है आपके लिए ये सूट की कीमत? कोई मूल्य इसका नहीं होता है, हमारी फैक्ट्री में रखेंगे और हमारी एक यादगिरी रहेगी, हमने एक अच्छा काम के लिए ये सूट खरीदा था। तो ये बताइए, नरेंद्र मोदी ने जो डिसीजन लिया था सूरत में ऑक्शन करने का, क्या लगता है सही था ये? ये नरेंद्र मोदी ने जो सूरत में ऑक्शन करने का जो अभियान चलाया, गुजरात में सूरत पसंद किया, और बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आपको लगता है ये और भी ऊपर जा सकता था? इसकी कोई कीमत नहीं है, बट टाइम की लिमिट होती है, कोई डिसीजन लेना का तो फास्ट लेना पड़ता है, इसमें लेट में कोई मजा नहीं आती है। मान लीजिए और ऊपर जाता है, अगर तो ऊपर जाता है तो ले जा सकते हैं, बट टाइम लिमिट पूरी खत्म हो जाता है। आप कितने तक के लिए तैयार थे? हम हमारी खुशी से हम जितना हमको आनंद आता है इतना करते हैं, करने वाले थे, हम हमारे पास लिमिट कोई नहीं थी। तो और भी यहाँ पे चीजें हमने देखा है, लोगों ने उसके बारे में भी बहुत चीजें, हाँ जो यहाँ चीजें हैं इसमें भी।